27 मार्च मातृ वतन से तजदीदे अहदे वफा का दिन। 84 साल पहले इस दिन करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई। बरसगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। यौम पाकिस्तान आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी मेहमान खसूसी होंगे। सऊदी वजीर दिफा समेत गैर मुल्की मेहमान भी शरीक होंगे। शकरपड़िया ग्राउंड में मुसल्ला अफवाज की खसूसी परेड होगी। पाक फजाई के जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा। पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट का दस्ता भी सलामी पेश करेगा। चीन और आजरबैजान के दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। कराची में मजार कायद और लाहौर में मजार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज होगा। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कालदम। बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। हुक्मनामे में कहा गया जस्टिस शौकत अजीज को रिटायर्ड जज तसव्वुर किया जाए। बदकिस्मती से मुकदमे के फैसले में ताखीर हुई। ताखीर के बाद शौकत अजीज रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच गए। अब उन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा शौकत सदीकी ने फैज हमीद पर संगीन इल्जाम लगाए, लेकिन उन्हें अपने इल्जाम साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने 23 सफात का फैसला तहरीर किया। दूसरी जानिब साबिक जज शौकत अजीज सदीकी का अपने इल्जाम की इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जाम सच साबित होने पर जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। पहली मुलाकात थी, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया, दिहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो पैसा है हमारे सूबे का वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। अवाम के एक मैंडेट है हमारे पास और उस पे अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ हुआ है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उसमें हमारी 180 सीटें इन्होंने चोरी की। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, इसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर-ए-आला के पी का विफाकी हुकूमत को मानने से फिर इनकार। कहा फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उनसे क्या बात करें। चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत का क्या डिलीवर करेंगे। बोले डोनाल्ड डू ने झूठा बयान दिया। असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए, साइफर था ही नहीं तो फिर बानी पीटे को गलत सजा हुई। अली अमीन गंडापुर कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म से मिले और मुलाकात को मुस्तक कहा था। तोड़फोड़ केस में अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीन। थाना बनीकाला और थाना गोलड़ा के मुकदमात से जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इस वक्त साइबर खुफा की हुकूमत बौखलाहट के शिकार है। इनको थोड़ी तसल्ली होती है तो इनकी चीखें जो है वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। फिर ये टाँ टाँ कर रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया। स्पीकर, सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा वजीर अला के पी बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम के पाँव पड़ जाते हैं। ये अमेरिका में कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। अली अमीन करप्शन पर ईंट मारने का कहते हैं, उनके लिए तो ईंटों का ट्रक दरकार होगा। बोले कि स्पीकर केपी टाइगर फोर्स के हैं, मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए केपी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन जाएंगे। टैक्स चोरी रोकने और मवेशियत को दस्तावेजी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। मुतादिद कंपनी चौकों को FPR सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर FPR से मुंसलिक होगा। मनी चेंजर्स, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और डीलर्स के लिए सॉफ्टवेयर लाजमी। निजी स्कूल, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों, मेडिकल लेबोरेटरीज में भी सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। क्लिनिक, मेडिकल प्रैक्टिशियंस को भी सिस्टम मिलाया जाएगा।
4500 मुरबा फिट से कम जगह पर कायम नॉन एसी होटल और मोटल्स पर इतलाक नहीं होगा। नॉन एसी छोटे रेस्टोरेंट्स पर भी इतलाक नहीं होगा। 10 गाड़ियों से कम की हामिल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी इतलाक नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी के छोटे ताजरों पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक 1 जुलाई से होगा। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान। आईएमएफ ने पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए करने की तजवीज दे दी। मार्च 2022 में खत्म करदा 18% जीएसटी भी बहाल करने का मुतालिबा। मुकामी तौर पर तैयार की गई सिगरेट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। ई सिगरेट पर भी मुकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज। मुल्क में तैयार शुदा पुरतश अशिया जैसे यॉट्स वगैरह पर ड्यूटी बढ़ाते हुए सरहदी कंट्रोल को बढ़ाने की तजवीज। मौशी सहकाम के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चीनी मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पहली मरतबा चीनी मार्केट से पैसा उठाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद बॉन्ड्स भी जारी करेगी। बोले पाकिस्तान का कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बस वक्त अदा करेगी। अदायगियों से मुल्की करंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है रुपए की कीमत मुस्तहकम रहेगी। रैकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बैरिक गोल्ड कंपनी के वफद से मुलाकात में बातचीत। वफद की वजीर आजम को रैकोडिक मंसूबे पर पेशरफ। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों के लिए खुशखबरी। सदर मुमलिकत ने मामूली सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। कत्ल, जना, अफवाह, दहशतगर्दी जैसे संगीन मुजरमों पर इतलाक नहीं होगा। तेईस मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदादे पाकिस्तान पेश हुई। मौलवी फजल हक ने मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए करारदाद पेश की। पहले उसका नाम करारदादे लाहौर था, मगर मुस्लिम मुखालिफ अखबारात ने करारदादे पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। करारदादे पाकिस्तान से मुतालिक खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। गजा जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद नाकाम। रूस और चीन ने करारदाद वीटो कर दी। रूसी सफीर का कहना है कि अमरीकी करारदाद रफा में इसराइली ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल है। चीन ने करारदाद को धोखा करार दे दिया। 15 में से 11 ममालिक ने हिमायत अलजुसायत ने मुखालफत की। उधर गजा में वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। शफाल अस्पताल पर खून प्रेस हमला 5वें रोज जारी। इसराइली फौज की रफा शहर में मकान पर बमबारी 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। रुखी के बावजूद बदुआ देती नहीं, हरगिज न पछताती है माँ। आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बड़ी पुरसर आवाज है आपकी और कलाम भी बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। और मौजू तो है सके सबके, ये बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। जब दज्जाल का फितना इंतहा को पहुंचेगा तो आसमान से किस नबी का नुजूल होगा? हज़रत ईसा अलैहि सलाम। बीवी के लिए आप किबला है, माँ आपका किबला है, तो खुदारा उस हस्ती के तकद्दस को पामाल न होने दें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 11वें रोजे की इफ्तार। मेजबान फरहान अली वारिस की आवाज से कलाम सुनकर सब आपदीदा हो गए। बशर अंसारी बनी मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। शेफ बरूज के मजेदार खाने भी और मौलाना आजाद जमीन के वसायफ भी। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।